ये स्टोरी रिचर्ड फिलिप्स नाम के एक शख्स की है जो एक कार्गो शिप के कप्तान हैं। लेकिन एक दिन कुछ समुद्री लुटेरे उनके शिप पर कब्जा कर लेते हैं और उनके सभी साथियों को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन कैसे कप्तान फिलिप्स अपने समझदारी से अपने सभी साथियों को बचा लेते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसका नाम है कैप्टन फिलिप्स। कहानी की शुरुआत में सोमालिया बीच को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे समुद्री लुटेरे रहते हैं। तभी वहाँ कार से कुछ लोग आते हैं जो लुटेरों से किसी बड़े जहाज को लूटने के लिए कहते हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इन सभी को मार दिया जाएगा, जिसके बाद वे सभी लोग दो ग्रुप्स में बट जाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप के लीडर का नाम मूसे है। अब ये सभी लोग एक बड़े शिप पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर किसी ऐसे शिप को ढूंढते हैं जो अपने रूट पर अकेला हो, ताकि उन्हें शिप को लूटने में आसानी हो जाए। तभी उन्हें एक ऐसा शिप दिख जाता है जो सलाला पोर्ट से मुंबासा जा रहा है। अब ये पायरेट्स उस जहाज को लूटने का डिसीजन लेते हैं और साथ ही वे उस शिप पर होने वाली सभी बातों को भी सुन सकते हैं। जिसके बाद हम उस कार्गो शिप को देखते हैं जिसके कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स हैं और ये लोग इस जहाज में खाने पीने का सामान लेकर केन्या जा रहे हैं। और कैप्टन रिचर्ड जानते हैं कि जिस रूट से वे जा रहे हैं वहां समुद्री लुटेरे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए वे जहाज के फर्स्ट ऑफिसर सैन मर्फी से सभी लोगों को प्रैक्टिस ड्रिल कराने के लिए कहते हैं। तभी ड्रिल के दौरान कैप्टन देखते हैं कि दो बोट्स उनका पीछा कर रही हैं। अब फिलिप समझ जाते हैं कि ये समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए वह UKMTO दुबई को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके जहाज का पीछा किया जा रहा है। तभी वह महिला कहती है कि उनकी कंप्लेंट को दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये समुद्री मछुआरे हों। फिलिप्स कहते हैं कि ये समुद्री मछुआरे नहीं लग, और वे फोन रख देते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स रडार पर उन बोट्स को देखते हैं जो उनसे एक मील की दूरी पर है, इसलिए वे शिप की स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देते हैं और साथ ही फोन उठाकर पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण फोन काम नहीं करता है। कैप्टन ये जानते हैं कि लुटेरे भी उनकी बातों को सुन सकते हैं, इसलिए वे पुलिस से बात करने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि समुद्री लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं और उनके पास काफी मात्रा में हथियार भी हैं, इसलिए उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। जिसके बाद वे अपनी ही आवाज बदल कर कहते हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर उन तक 5 मिनट में पहुंच जाएगा। अब लुटेरे जब रेडियो पर ये सुनते हैं कि मदद के लिए वहां आर्मी आ रही है तो वे काफी डर जाते हैं और उनमें से एक बोट वहां से वापस लौट जाती है, लेकिन एक बोट उनका पीछा अभी भी कर रही होती है। लेकिन कप्तान उस बोट को लहरों में उलझा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अब सभी लोग इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने लुटेरों से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन उन्हें अभी भी डर होता है कि कहीं वे लुटेरे फिर से वापस ना आ जाएं। इसलिए उनका एक क्रू मेंबर शिप को दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए कहता है, ताकि वे सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तभी कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पर लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं और उन्हें हर 300 मील पर उनका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि जिस रास्ते से वे आए थे उसी से आगे बढ़ें। अब अगली सुबह जहाज मुंबासा की तरफ आगे बढ़ता है। तभी कैप्टन देखते हैं कि लुटेरे वापस आ गए हैं और वे उनका पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैप्टन एक बार फिर से समुद्री पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इस बार उनका संपर्क पुलिस से हो जाता है, जिसके बाद कप्तान उन्हें बताते हैं कि लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया है और उन्हें जल्दी ही मदद की जरूरत है। अब उन्हें बताया जाता है कि जल्दी ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। अब जो लुटेरे होते हैं वो कप्तान से शिप को रोकने के लिए कहते हैं और जब कप्तान उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद कप्तान पानी के प्रेशर पंप्स को चालू करवा देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरे उनके शिप तक ना पहुंच सके। लेकिन उनमें से एक पंप काम करना बंद कर देती है और जब लुटेरे ये देखते हैं तो वे जहाज पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ाते हैं। कप्तान ये देखते ही अपने सभी क्रू मेंबर्स को इंजन रूम में छुपने के लिए कहते हैं और किसी को भी तब तक बाहर ना आने के लिए कहते हैं जब तक कि वे एक सीक्रेट पासवर्ड ना बोल दें, और साथ ही पूरे जहाज और कंट्रोल रूम को भी बंद करवा देते हैं। अब वे चारों लुटेरे भी जहाज पर पहुंच जाते हैं और कप्तान और उनके दो साथियों को गन पॉइंट पर लेकर जहाज पर अपना कब्जा कर लेते हैं। उन लुटेरों का सरदार, जिसका नाम मूसा है, वह कप्तान से कहता है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, वह तो उनसे बस सौदा करने आया है। कप्तान उन्हें बताते हैं कि उनके जहाज पर कोई भी कीमती चीज नहीं है, वे बस खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हैं और हमारे पास केवल $30,000 हैं। अगर तुम चाहो तो उन पैसों को लेकर यहाँ से जा सकते हो और हम ये बात यहीं खत्म कर सकते हैं, जिसका जवाब देते हुए मूसे कहता है कि वह कोई भिखारी नहीं है। अब मूसे उस शिप को चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद वह सभी क्रू मेंबर्स को कंट्रोल रूम में आने के लिए कहता है और अनाउंस करता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी
तो वह डेक पर मौजूद उनके सभी लोगों को मार देगा। लेकिन कप्तान फिलिप्स ने अभी तक वह पासवर्ड नहीं बोला होता है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आता है। अब मूसा कहता है कि उसे शिप की तलाशी लेनी है ताकि वे छुपे हुए लोगों को ढूंढ सके। कैप्टन कहते हैं कि ठीक है, नीचे जाते वक्त हमें इमरजेंसी लाइट का ध्यान रखना होगा, अगर वह बंद हो गई तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ये बात कहते टाइम कैप्टन अपने वॉकी टॉकी बटन को ऑन कर देते हैं ताकि सभी छुपे हुए लोग उनकी बातें सुन सकें, और वे समझ जाते हैं कि कप्तान हमें लाइट बंद करने का इशारा कर रहे हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी लाइट बंद करने के लिए चला जाता है और दूसरा आदमी पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मूसे कप्तान फिलिप्स को लेकर जहाज की तलाशी लेने नीचे जाता है। कैप्टन उसे बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि वह उन लोगों तक ना पहुंच पाए, लेकिन तभी मूसे की नजर वहां लगे एक मैप पर जाती है और वह समझ जाता है कि लोग जहाज के इंजन रूम में छुपे हुए हो सकते हैं, इसलिए वह कप्तान से उस इंजन रूम की तरफ जाने के लिए कहता है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इंजन रूम में बहुत गर्मी होगी और वहां लाइट्स भी नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के लिए थोड़ा पानी ले लेना चाहिए, जिसके बाद वे इंजन रूम में चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक क्रू मेंबर भी वहां पानी लेने आया था। उन पायरेट्स को देखकर वह छिप जाता है, लेकिन कैप्टन उसे देख लेते हैं। और जब मूसा और उसका आदमी तलाशी ले रहे होते हैं तो कप्तान कहते हैं कि तुम्हें नंगे पैर चोट लग सकती है, जिसके बाद वे पानी लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जो आदमी वहां छुपा हुआ था वह कप्तान के इशारे को समझ जाता है और वह इंजन रूम में छुपे हुए अपने साथियों को बता देता है कि इन लोगों ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, इसीलिए उन्हें दरवाजे पर कांच बिखेर देना चाहिए ताकि जैसे ही वे अंदर आए तो उनके पैर चखमी हो जाएं। अब जैसे ही वे इंजन रूम में एंटर करते हैं तो मूसा के साथी का पैर कांच के टुकड़ों से जख्मी हो जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। अब मूसा इंजन रूम में छुपे हुए लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहां लाइट चली जाती है क्योंकि वह जो दूसरा आदमी बाहर गया था उसने लाइट को बंद कर दिया होता है। अब वहां पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहां छुपे हुए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब कप्तान मूसा को वहां से चलने के लिए कहता है तो मूसा उन पर भड़क जाता है और अपने उस घायल साथी से कैप्टन को ऊपर ले जाने के लिए कहता है। मूसा कहता है कि वह उन छुपे हुए लोगों को ढूंढ कर ही ऊपर आएगा, जिसके बाद कैप्टन वापस से कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और मूसे वहीं रुककर लोगों को ढूंढने लगता है। अब मूसे को अकेला देखकर वहां छुपे हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं और कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारा कैप्टन मूसे हमारे कब्जे में है, इसीलिए तुम हमारे सभी लोगों को छोड़ दो। जिसके बाद कैप्टन मूसे से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें $30,000 और एक लाइफ बोट देंगे जिसे लेकर तुम यहां से जा सकते हो और इस बात को यहीं खत्म कर सकते हो। मूसा के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह इस डील को मान लेता है। जिसके बाद कप्तान उन $30,000 को एक थैली में डालकर उसके एक साथी को दे देते हैं और उसके दूसरे साथी को लाइफ बोट ऑपरेट करनी भी सिखाते हैं। जिसके बाद मूसा को ऊपर लाया जाता है और उसके साथियों के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन तभी मूसा अपने एक साथी को इशारा करता है जो कैप्टन पर पीछे से हमला कर देता है और उन्हें किडनैप करके लाइफ बोट को समंदर में उतार देता है और कैप्टन फिलिप्स को अपने साथ ले जाता है। अब शिप पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स ये देखते हैं तो वे उस लाइफ बोट का पीछा करने लगते हैं और साथ ही नेवी को भी इस घटना के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लुटेरे कैप्टन को लेकर सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। अब जल्दी ही नेवी उन पर नजर रखने के लिए अपने ड्रोन्स को वहां भेज देती है और उनकी हर एक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ इन लुटेरों का प्लान होता है कि वे सोमालिया पहुंचकर शिप कंपनी के मालिक से बहुत सारे पैसों की डिमांड करेंगे और बदले में कैप्टन को आजाद कर देंगे। इसी बीच इन पायरेट्स के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि उनका जो नशीला पदार्थ होता है वह खत्म हो चुका है। तभी मूसा देखता है कि US नेवी के लोग वहां आ चुके हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। अब मूसे नेवी ऑफिसर से कहता है कि अगर वे कैप्टन को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसे $10 million चाहिए, अगर उन्होंने उसकी मांग नहीं मानी तो वे कैप्टन फिलिप्स को मार देंगे। वह नेवी ऑफिसर कहता है कि ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं है, इसके लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए, तब तक उन्हें वे खाना और पानी दे सकते हैं, जिसके लिए मूसा मान जाता है। अब नेवी के लोग उस लाइफ बोट के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए पानी और खाना लाए हैं, लेकिन वे पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि उनके कप्तान ठीक हैं या नहीं। अब कैप्टन फिलिप्स को बाहर लाया जाता है जो बताते हैं कि मैं ठीक हूँ और साथ ही वे कहते हैं कि उनकी फैमिली को उनके बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वह सीट नंबर 15 पर बैठे हैं। नेवी ऑफिसर समझ जाते हैं कि कैप्टन फिलिप्स हमें क्लू दे रहे हैं कि वे सीट नंबर 15 पर हैं। मूसा कहता है कि उसे जल्द से जल्द $10 million चाहिए और वह कैप्टन को अंदर भेज देता है। तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है जो मूसा के एक साथी ने चलाई होती है ताकि
नेवी की बोट्स वहां से चली जाएं। तभी नेवी उनसे एक बार फिर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस मसले को वे शांति से सुलझाना चाहते हैं, इसलिए कप्तान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मूसा देखता है कि नेवी के शिप्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी कैप्टन फिलिप्स मूसा से कहते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, तुम्हें नेवी के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाकी के साथी तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं और तुम यूएस नेवी से नहीं जीत सकते। लेकिन मूसा कहता है कि अब वह बहुत दूर आ चुका है और इसलिए वह सरेंडर नहीं कर सकता। अब जब रात हो जाती है तो कप्तान कहते हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना है। मूसा अपने एक साथी के साथ उन्हें बाहर भेज देता है, लेकिन कैप्टन उस लड़के को पानी में धक्का देकर खुद भी पानी में कूद जाते हैं और नेवी के शिप्स की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं उन ऑफिसर्स को भी पता चल जाता है कि दो लोग पानी में हैं, लेकिन रात होने की वजह से ऑफिसर्स कैप्टन फिलिप्स को नहीं पहचान पाते हैं। और इससे पहले कि नेवी के शिप्स उन तक पहुंचते, मूसा अपनी बोट को लेकर वहां आ जाता है और एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स को पकड़कर बोट के अंदर ले जाता है। अब सील की टीम भी वहां पहुंचकर उस बोट को चारों तरफ से घेर लेती है और उन सभी लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहती है, जिसके बाद मूसा कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो वह कप्तान को मार देगा। तभी लाइफ बोट पर एक आदमी कॉन्टेक्ट करता है जो बताता है कि वह पैसों की बात करने आया है और साथ ही वह इन चारों लुटेरों के बारे में जानकारी भी देता है। वह कहता है कि अगर तुम ये डील करना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को हमारे साथ आना होगा। मूसा इसके लिए मान जाता है। तभी वहां नेवी की दो बोट्स आती हैं, जिनमें से एक बोट लुटेरों को बातों में उलझाने की कोशिश करती है और दूसरी बोट में मौजूद सोल्जर्स उस लाइफ बोट को एक रस्सी से बांध देते हैं और साथ ही एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिसकी मदद से उनकी सभी बातों को सुना जा सकता है। अब सील टीम मूस को अपने जहाज पर ले जाती है और उस बोट के चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स को जला दिया जाता है ताकि लुटेरों को सामने का कुछ भी दिखाई ना दे। अब नेवी के शिप्स पर मौजूद जो स्नाइपर्स होते हैं वो इन तीनों लुटेरों को एक साथ निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लुटेरे निशाने पर नहीं आ पाते हैं। वहीं कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, उनका मरना तय है, इसलिए वे काफी डर जाते हैं और बोट में पड़े पेन को उठाकर अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखते हैं। तभी एक पायरेट उन्हें ये करते देख लेता है और वह उन पर हमला करके उन्हें पीटने लगता है। कैप्टन फिलिप्स को बुरी तरह पीटने के बाद एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उनमें से एक लुटेरा कैप्टन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि ये नेवी की एक चाल है, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके दोनों साथी ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तभी शिप पर मौजूद स्नाइपर्स उन दो पायरेट्स को निशाने पर ले लेते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि तीनों लुटेरों को एक साथ मारा जाए, इसलिए वे लाइफ बोट को खींचना बंद कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें झटका लगता है और तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर्स उन तीनों को एक साथ शूट कर देते हैं। अब कैप्टन गोली चलने की आवाज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बुरी तरह रोने लगते हैं, जिसके बाद कैप्टन फिलिप्स को उस बोट से सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन इस हादसे के कारण उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचता है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। वहीं यूएस नेवी मूसे को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसे बाद में 33 सालों की सजा सुनाई जाती है और वह आज भी सलाखों के पीछे है। तो ये थी कहानी कैप्टन फिलिप्स मूवी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।